हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमॉर्टल जर्नी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और है और सुबह के 5:30 बजे हैं और हम लोग हैं मनाली में और हम लोग सीधे लद्दाख से मनाली आ चुके हैं। और अब आगे का क्या प्लान है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी मुझे भी नहीं पता है कि क्या प्लान है। फिलहाल अभी के लिए लिफ्ट ले रहे हैं अपन कुल्लू की तरफ की। अगर लिफ्ट मिल जाती है तो फिर मिलते हैं आप। सो गाइस, तो अभी के लिए पहुंच चुके हैं। आपने जैसा कि पिछले व्लॉग में देखा होगा, हमारे साथ ट्रक में एक भैया और थे, तारा भैया। तो अभी तारा भैया के घर पर आ चुके हैं और ये रहे तारा भैया, आपको मिलवाते हैं। पहले भी आप मिल चुके हैं इनसे। तो हमारा प्लान था जाने का कसोल, लेकिन भैया का कॉल आ गया, भैया ने अपने घर बुला लिया। तो हम लोग सीधे आ गए भैया के घर। और बारिश, आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं, बारिश हो रही है इस पूरे। और ये घर देखिए, आपको यहाँ के घर दिखाते हैं। घर कितना अच्छा बना है, लकड़ी का, लकड़ी की पूरी सीढ़ियाँ हैं और इसके ऊपर की जो ये छत है कितने अच्छे से प्रॉपर से बनाई गई है। और इधर का मौसम देखिए कितना फॉगी फॉगी सा हो रहा है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, भैया के घर के पास का। और अभी थोड़ी देर भैया के साथ ही स्पेंड करेंगे, फिर आगे का प्लान अभी कुछ फिक्स नहीं है। आगे का प्लान देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा आपको बताता हूँ आगे चल के। तो अभी के लिए मिलता हूँ आप थोड़ी देर में। सो गाइस, तो ये है आलू का पराठा तारा भैया की तरफ से। सामने तारा भैया बैठ खा रहे हैं, इधर अनुज खा रहा है और इधर मैं भी खा लेता हूँ फटाफट। सो गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं, लगभग 7:30 से 8 हो रहे हैं और हम लोग दिन में मतलब आए यहाँ पर और नाश्ता वास्ता करके आलू के पराठे वाठे खा के सो गए थे और अभी उठे हैं लगभग 5, 5:30, 6 बजे के करीब। तो दिन भर आज सोया, बिकॉज कल रात ने पूरी रात ड्राइविंग किया था, मतलब ड्राइविंग भी किया था, बैठा भी था। तो मतलब पूरी तरह से एक तरह से जगा था पूरी रात, सोया नहीं। और उसके बाद फिर चला आया भैया के पास, फिर यहाँ पर भी काफ़ी देर बातें होती की। उसके फिर लगभग 11, 11:30, 12 बजे हम लोग सो गए थे। फिर उठे हैं शाम में और अभी थोड़ा सा भैया के साथ जा रहे हैं यहीं मार्केट के आसपास। अगर कुछ, वैसे बहुत छोटी सी मार्केट है ये, मनाली से 10-15 किलोमीटर, थोड़ा सा पतली कुहल नाम की कोई जगह है वहाँ पर है। तो अभी छोटी सी मार्केट है, जाते हैं घूमते हैं। वैसे कुछ जगह होगी नहीं दिखाने वाली कि आपको मैं दिखा पाऊँ, बट इनकेस अगर कुछ मिलता है तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पर। सो पीपल, तो अभी के लिए रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 9:30 और डिनर का टाइम ऑब्वियसली हो ही चुका है। तो आ गए हैं हम लोग खाना खाने के लिए भैया के घर पर ही। तो मैंने आपको भैया के मम्मी पापा से नहीं मिलाया, तो ये हैं भैया के पापा और ये मम्मी हैं और ये भाभी हैं जो कि खाना बना रही। और भैया इधर खाना खा रहे हैं, सबसे पहले खाना खाने में भैया जुट गए हैं। ये हमारी ये पनीर की सब्जी है, दाल है, राइस है और एक ये सब्जी जो है अभी मैं टेस्ट नहीं किया हूँ। ये किसकी सब्जी आंटी बता रही है? शूश की कोई है, ऑर्गेनिक कोई सब्जी होती है यहाँ की, वो है जो कि अभी टेस्ट करने के लिए मैं नहीं आऊँ। अच्छा लगेगा तो और लेंगे। वैसे अनुज ट्राई कर चुका है ऑलरेडी। कैसी रही है अनुज? अच्छी है। तो अनु जैसे कि बता रहा है कि मतलब बहुत अच्छी, तो अभी मैं भी खाता हूँ। और मुझे सबसे अच्छा जो यहाँ का चीज़ लगा वो ये लगा, ये जैसे हॉट टेंट कैंपिंग में लगाते हैं, तो ये अभी तो यह नहीं चल रहा है बिकॉज इतनी ठंड नहीं है, बट जब ज़्यादा ठंड होती है तो इसको भी लोग जलाते हैं। और इसकी जो चिमनी है वो सीधे यहाँ से करके सीधे ऊपर निकली हुई है। तो अभी के लिए फटाफट खाना खा लेते हैं, भूख तेज़ लगी हुई है, खा के उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम लद्दाख से वापस क्यों आ गए। एक्चुअली मैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम था, कि मतलब जहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक पैदल चल लेते थे तो हम लोग की सांस जो थी वो मतलब अप डाउन नहीं होती थी। लेकिन लद्दाख का ये सीन था कि अगर 200-300 मीटर चल लेते थे तो वहाँ पर मतलब हम लोग को रेस्ट लेना पड़ता था, वो भी अच्छा खासा 10-15-20 मिनट का। तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न था कि अनुज को थोड़ा सा माउंटेन सिकनेस हो गई थी, दैट्स वाई वहाँ से आने का मूड तभी बन गया था। और तीसरा रीज़न ये था कि वहाँ पर जो लिफ्ट मिलने का सीन था वो इतना ज़्यादा था कि मतलब
लिफ्ट हम लोग को मिली नहीं रही थी। ये सीन था कि अगर यहाँ पर 1 घंटे हम लोग को वेट करना पड़ता था तो वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे वेट करने पर भी हमको कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से, वो भी बहुत छोटी छोटी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे लिफ्ट मिल रही थी। और वहाँ पर यू नो कि आसपास से जो गांव होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और वो भी थोड़े घर होते हैं, 4-5 घर के ऐसे ही गाँव होते हैं। और पाँचवा रीज़न ये था कि जो हम लोग को जहाँ जहाँ जाना था वहाँ जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है, और परमिट बनवाने के लिए लगते हैं पैसे, जो कि अभी हम लोग बजट में ट्रेवल कर रहे हैं और परमिट बनवाने के लिए अच्छा खासा पैसा लगे थे। जैसे पैंगोंग का ही 500 रुपये का हम लोगों ने पता किया था, तो 1% का लग रहा था, हम लोग ऑलरेडी 2 थे तो 1,000 रुपये तो सीधे चला जाता। तो ये 4-5 रीजन कुछ ऐसे थे जिस वजह से हम लोग को वहां से वापस आना पड़ा। और कोशिश करेंगे कि हम लोग जाएंगे और पूरा लद्दाख, पूरे पूरे लद्दाख को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, जब थोड़ी सी या फिर गाड़ी रहे मेरे पास, तब उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो बस इतनी ये जो रीजन थे इसी वजह से हम लोग को वापस आना पड़ा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि खाना पीना हो चुका है और अब सोने की तैयारी करते हैं। सो गाइस, तो फाइनली खाना पीना हो चुका है, और खाना पीना खाने के बाद आ चुके हैं अपने बिस्तर में। और बिस्तर आप देखिए, 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, 4 लेयर है। 4 लेयर मतलब हमें ज़रूरत तो नहीं थी इतनी, बट भैया ने बोला कि नहीं अभी ठंड नहीं है, बट मॉर्निंग में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो तुम्हें नीड हो सकती है, और इन केस नहीं होगी तो 1-2 लेयर तुम हटा सकते हो। तो भैया बहुत ख्याल रख रहे हैं हम लोग का, बहुत केयर कर रहे हैं, और खाना भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। और अंकल आंटी और मतलब जो भाभी थी, सबका नेचर बहुत अच्छा था। हम लोग वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठकर बातें करते रहे, बहुत मज़ा आया सबके साथ, बहुत अच्छा लगा। और इन केस फ्यूचर में फिर आएंगे तो फिर यहाँ पर ज़रूर आएंगे, ज़रूर मिलने आएंगे। तो अभी के लिए अब आ गए हैं बेड में, और रात ज़्यादा हो रही है, लगभग बज रहे हैं 12, और अब सोने का टाइम भी हो ही चुका है। तो चलते हैं, सोते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।